अंदर में जो एक्सेलेटर लगाया गया है उसका प्रवेश द्वार यहीं कहीं पे बनाया जाएगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे आप पूरा ये कांच देख रहे हो इधर ही बनाया जाएगा, ताकि वहाँ से लोग जो है नीचे से ऊपर आ पाएँ, ताकि हमें दिखेगा। ये है पूरा मॉडल अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का। आता हूँ इधर तो ये दिखेगा, यहाँ पे शायद एक्सेलेटर ही लगाया जाएगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इतना स्पेस देखिए पूरा खाली किए हैं। पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पे देखिएगा तो यहाँ पे पूरी सीटें वगैरह ला के रखी गई हैं। ये देखिएगा ये पूरा सीट है जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, और ये जब प्लेटफॉर्म पूरा कम्प्लीट होगा तो उसका जो ये सीटें लगाई जाएंगी लोगों को बैठने के लिए। ये वंदे भारत आ गई, सुबह टाइम हो गया था इसका, ये देखिए मेक इंडिया वंदे। ये दोस्तों अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू, ये देखिएगा पूरा इस तरीके से, अभी सुबह का टाइम है। और इधर देखिएगा जो दीवार गिरी हुई थी, देखिए पूरा भाई सेम कलर्स करके इसको पूरा रेडी कर दिए हैं, और अभी जो है कलर्स का काम चल रहा है। ये देखिएगा उस साइड से जो है कलर्स कर रहे हैं इसको, और कुछ ईंट वगैरह है जो कि शायद यहाँ पे लगाए जाए इस पॉइंट पे, यहाँ पे नीचे इसको कंप्लीट किया जाए बना के। बाकी चलिए आपको पूरा दिखाते हैं, जो ऊपर टीन शेड था वो पूरा लगना स्टार्ट हो चुका है, और जो पुराना वाला रेलवे स्टेशन था जो तोड़ दिया गया था उसका कितना काम किया गया है, अभी काम किया जा रहा है फिर रोक दिए हैं, पूरा आपको दिखाएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से इतना स्पेस देखने को मिलेगा। इधर जो है प्लेटफॉर्म है, और इस साइड पे अगर आप देखिएगा तो इसका भी यूज़ किया जाएगा आने वाले टाइम में। अभी जो है यहाँ पे मशीनें वगैरह खड़ी रहती थी जो कि इस स्टेशन का पूरा कंप्लीट करने में मदद करती थी। अभी देखिएगा यहाँ पे आपको एक डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा, जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं जितना जाने वाली हैं कहाँ से कहाँ तक, वो आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब कुछ लोग जो है यहाँ पे आके भटकते हैं कि भाई ये गाड़ी है कि नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग आके देख लेना कौन सी किस टाइम पे है, देखने को आपको मिल जाएगा। अभी देखिएगा ये है पूरा प्लेटफॉर्म नंबर एक, और उधर जो है प्लेटफॉर्म नंबर दो और तीन है। पूरा आपको हम दिखाते हैं कैसे कैसे काम चल रहा है, नए जो है एक्सीलेटर वगैरह लगाए जाएंगे उसके लिए भी जो है काम चलाया जा रहा है, वो अभी आपको पूरा दिखाएंगे। अभी देखिएगा ये ऊपर टीन सेट का काम चल रहा है, ये एरिया भी देखिएगा पूरा ऊपर जो है बस अब लास्ट स्टेज है जिसपे जो है टीन सेट पूरा लगा देंगे। देखिएगा ऊपर पूरा जो है लगभग चीज़ें कंप्लीट कर दी हैं, बस टीन सेट लगा के पूरा फाइनल कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिएगा नीचे का व्यू आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे भी एक पिलर्स उठाया जा रहा है, और इधर भी जो है कुछ चीज़ें की जा रही हैं। चलते हैं आपको प्लेटफॉर्म का पूरा व्यू दिखाते हैं। उसके पहले अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ थोड़ा सा, तो इस पॉइंट पे देखिएगा तो यहाँ पे पूरी सीटें वगैरह ला के रखी गई हैं। ये देखिएगा ये पूरा सीट है जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, और ये जब प्लेटफॉर्म पूरा कंप्लीट होगा तो उसका जो ये सीटें लगाई जाएंगी लोगों को बैठने के लिए। जब ये पूरा होल्डिंग एरिया के ऊपर आपको देखा, आपने देखा होगा इसी तरीके से सीट जो है वो होल्डिंग एरिया के ऊपर लगाया गया है, तो उसकी वजह से ला के यहाँ पे पहले से रखा गया है, और चीज़ें कंप्लीट होने के बाद लगाई जाएंगी। और यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, इधर जो है एक्सीलेटर वगैरह भी रखा गया है, उधर लोग स्नान कर रहे हैं यार, उधर वीडियो नहीं बना सकते, खैर छोड़िए। एक्सीलेटर ला के वहाँ पे रखा गया है जो कि आगे लगाया जाएगा, अभी चलिए दिखाता हूँ कहाँ पे लगेगा। साथ में जो है लिफ्ट के भी काम चल रहे हैं, वो भी चीज़ें मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। ये दिखेगा कुछ इस तरीके से ऊपर से काम चल रहे हैं, अभी यहाँ पर दिखेगा तो ये पिलर्स दिया जा रहा है। ये दिखेगा, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये पिलर्स हैं जिनका नेट बोल्ट लगाया गया है ऊपर जो है पिलर्स को खड़ा करने के लिए। ये देखिएगा, ये देखिए, और ये है प्लेटफॉर्म नंबर एक, ये इतना इधर आप सीट देख रहे हैं सभी को आया गया है यहाँ पे ला के रखे हैं। और इस पॉइंट पर अगर देखिएगा तो ये लिफ्ट के काम चल रहे हैं, ये लिफ्ट बनाया जा रहा है ऊपर जाने के लिए। ये देखिएगा ऊपर जाएगा इस तरीके से, आप जो है होल्डिंग एरिया पे पहुंच जाओगे यहाँ से, जिसका काम चल रहा है अभी। और अभी यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये देखिएगा इधर के कुछ काम किए जा रहे हैं। इसके पहले मैंने ब्लॉग अपलोड किया था तो बिल्कुल बेस ही बना हुआ था, अब देखिए ऊपर इस तरीके से इसको बनाया जा रहा है पूरा। ये देखिएगा अब जो है इधर क्या चीज़ें करते हैं, एक्सीलेटर वगैरह लगाते हैं या फिर कुछ और चीज़ें करेंगे, वो तो जब कंप्लीट होगा तो आपको देखने को मिल जाएगा इधर। और ये वंदे भारत आ गई, सुबह टाइम हो गया था इसका, ये देखिए मेक इंडिया वंदे भारत।
और यह है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई हुई है। अब चलिए आपको थोड़ा सा दिखाते हैं वहाँ आगे। देखिए दोस्तों, अभी गेट नंबर 10 ओपन किया गया है अंदर जाने के लिए, और इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। तो ये दिखेगा, इधर का भी पूरा काम किया जा रहा है अभी। इधर जो है अभी नया किया जा रहा है इसको, अभी मैंने इसके पहले दिखाया था तो ये जो नीचे इधर है इसी को जो है तोड़ा गया था, और अभी देखिए इस तरीके से पूरा चीज़ें की जा रही हैं। ये स्टेशन के अंदर का भी पूरा आपको दिखाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ से मैं आपको चीज़ों को समझाता हूँ कि पूरा बनने के बाद ये कैसा दिखेगा। फिलहाल स्टेशन के अंदर का पूरा व्यू इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। टिकट वगैरह का पूरी व्यवस्था उधर है। अगर आपको प्लेटफॉर्म पे जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हो ऊपर, पहले होल्डिंग एरिया पे, उसके बाद प्लेटफॉर्म पे जा पाओगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये पूरा स्टेशन बनने के बाद किस तरीके से दिखने वाला है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो है स्टेशन का मॉडल रखा गया है, जो कि मैं यहाँ पर है पूरा, मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ तो ये दिखेगा, ये है पूरा मॉडल अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे स्टेशन का। पूरा मॉडल है, और ऊपर अगर आप लोग देख पाइएगा तो ये एरिया जो है ये पूरा टीन सेट रहेगा, 1 और 2, और ये टीन, ये पूरा टीन सेट है यहाँ से। और इधर जो है ये ब्रिज रहेंगे, पुराने वाले ब्रिज है ये पूरा, ये दिखेगा इस तरीके से, और इधर एंट्री गेट रहेगा। ये है पूरा स्टेशन का मॉडल जो कि बनने के बाद दिखेगा। अभी चलिए आपको बाहर दिखाते हैं कितना जो है टीन सेट लगा हुआ है, कितना जो है चीज़ें बनेंगी वो दिखाता हूँ, ठीक है। अभी देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा अंदर का व्यू है, ये देखिएगा। और आपको टिकट वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हो, मैं आपको दिखाऊँ। आपको आगे गेट नंबर 7 या 6 से अंदर आना है, और यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। कौन सी ट्रेन आने वाली है वो भी यहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगी, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, यहाँ से आके आप ले सकते हो। मैं एक चीज़ और बताऊँ, इधर अगर आप लोग देखिएगा तो ये एक्सीलेटर इधर भी लगाया गया है जो कि नहीं चलाया जाता है। उसका रीज़न ये है कि ऊपर से जो है कोई मार्ग नहीं बनाया गया है होल्डिंग एरिया पे जाने के लिए, जिसकी वजह से इसको बंद रखा जाता है। बाकी आने वाले टाइम में भी मैं आपको बताऊँगा कि मार्ग कहाँ पर बनेगा, तो इसको भी चलाया जाएगा, लोग यहाँ से भी जाएंगे और होल्डिंग एरिया पर पहुँच जाएंगे। अभी देखिएगा सुबह का करीब 8:09 हो रही हैं, वंदे भारत इसी टाइम पे आती है। अब यहाँ से हम चलते हैं उस साइड पे, और उधर से एक्सीलेटर के जरिए चलेंगे ऊपर। ऊपर से आपको होल्डिंग एरिया का पूरा नज़ारा दिखाते हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन जो पुराना वाला टूटा हुआ था उसको दिखाते हैं। देखिए भाई सुबह का टाइम है, साफ सफाई का लगभग कर दिए हैं, और ये देखिए कितना प्यारा व्यू लगता है, अयोध्या धाम जंक्शन देखने को मिलता है आपको। अब चलते हैं, आपको हम पूरा दिखाएँगे। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा खासा जो है स्पेस है, कई कई जगह ऐसे आप फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, जैसे यहाँ पे अयोध्या लिखा गया है, यहाँ पे लोग आते हैं तो फ़ोटोज़ क्लिक करवाते हैं। और इधर जो है फूड प्लाजा भी दिया गया है विकलांग लोगों के लिए, यहाँ पर जो है वो व्हील चेयर भी दिए गए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर फूड प्लाजा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो कि अंदर है, आप यहाँ पर जो है अपना नाश्ता वगैरह कर सकते हो। अब यहाँ से जो हम चलेंगे ऊपर, ये देखिए एक्सीलेटर लगाया गया है, और इजीली यहाँ से हम जाएंगे ऊपर, ये देखिए। उसके बाद लिफ्ट भी दी गई है साइड में, अगर आप लोग इससे नहीं जाना चाहते हो तो लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जा सकते हो। और यह पूरा यहाँ का व्यू, ये देखिएगा। और वही सेम जो है फूड प्लाजा इस सेकंड वाले फ्लोर पर भी दिया गया है। अभी चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर चल के। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से मैं ऊपर, और इधर भी लिफ्ट दिया गया है, तो यहाँ से भी आप आ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिलहाल यहाँ से हम चलेंगे और आपको दिखाते हैं होल्डिंग एरिया का पूरा व्यू। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा होल्डिंग एरिया, और इधर भी एक्सीलेटर लगाया गया है, एक यहाँ पे, एक उस साइड पे, और सीढ़ियाँ भी साथ में दी गई हैं। अभी देखिएगा ये वंदे भारत आई हुई है, ये देखिए यहाँ पे खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। तो फिलहाल ये है पूरा होल्डिंग एरिया जो कि आगे काम चल रहा है, ये देखिएगा इसका इस पॉइंट पे। और आपको मैं आपको थोड़ा सा इधर पास से दिखाता हूँ। अभी जो है जैसे कि ये ऊपर टीन सेट लगाया गया है इस पॉइंट पे, इधर वैसे ही टीन सेट जो है पूरा लगाया जाएगा उस साइड पर भी जो कि आगे बन रहा है, ये देखिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा पास से दिखाऊं, इधर वाशरूम वगैरह हैं
जो कि आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे भी जो लोग बैठेंगे वो यूज़ करेंगे, यात्री जो रहेंगे। यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिएगा, ये है पूरा होल्डिंग एरिया। उसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि अभी ऊपर टीन सेट लगने का बस लास्ट स्टेज है, कल तक ये लगने लगेगा टीन सेट। और इधर जो है स्टेशन है, ये नीचे देखिए बेस लगभग कंप्लीट कर दिया गया है, आगे ले जाके बस थोड़ा बहुत ही काम बचा हुआ है जो कि आने वाले टाइम में कंप्लीट कर ही दिया जाएगा कुछ ही दिनों में। इधर देखिएगा ये मशीनें वगैरह सारी चीज़ें हैं। चलिए आपको थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है पूरा होल्डिंग एरिया। देखिए एक लिफ्ट इधर निकलती है, एक लिफ्ट जो है उस साइड पे निकलती है, दोनों साइड पे लोग जो है आ सकते हैं नीचे से ऊपर। और एक जो है उस साइड पे है जो कि अभी उसका काम नहीं किया गया, मैंने भी पिछले वाले ब्लॉग में आपको बताया था। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं यहाँ से तो इस पॉइंट पे देखिएगा, ये देखिए कुछ इस तरीके से काम चल रहा है। यहाँ पर देखिए ये लोग लगे हुए हैं, वर्कर्स जो कि काम कर रहे हैं कंटिन्यू। अभी देखिए इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, ये देखिए नीचे का पूरा व्यू। अभी चलिए आपको थोड़ा सा नीचे से भी दिखाएंगे, उसके बाद पुराना वाला रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। ये देखिए इधर मशीन वगैरह खड़ी है, नीचे बेस लगभग इसका कंप्लीट कर दिया गया है, बस ऊपर टीन सेट लग जाए उसके बाद। अब मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, जो अंदर में जो एक्सेलेटर लगाया गया है उसका प्रवेश द्वार यहीं कहीं पर बनाया जाएगा, इस पॉइंट पर जहाँ पर आप पूरा ये कांच देख रहे हो इधर ही बनाया जाएगा, ताकि वहाँ से लोग जो है नीचे से ऊपर आ पाएँ, ताकि होल्डिंग एरिया पे। अभी जो है इस पॉइंट पे एक मार्ग है, बाकी जो है इस पॉइंट पर भी जो है एक मार्ग बना दिया जाएगा, वो आने वाले टाइम में बन जाएगा। अभी देखिए कुछ इस तरीके से ये काम चल रहा है, ये देखिए। अभी ये दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3, इस पर चलते हैं नीचे, आपको थोड़ा सा नीचे का व्यू दिखाते हैं किस पर क्या क्या जो है काम किए जा रहे हैं। ये देखिएगा इधर भी जो है एक्सीलेटर लगाया गया है, यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो नीचे के ज़रिए, और उस साइड पे भी एक्सेलेटर लगा हुआ है जो कि आप नीचे जा सकते हो वहाँ से। चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये है दोस्तों प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 जिस पर अभी हम हैं। इधर देखिएगा एक ब्रिज और बनाया गया था उसी टाइम पे जब ये स्टेशन बना हुआ था, तो इधर जो है 4 और 5 के लिए ये ब्रिज बनाया गया था, जो कि अभी यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि आगे जो है इसका ट्रैक वगैरह लगा ही नहीं है। लेकिन अब जो है इस पर भी ट्रैक लगेगा, लोग जो है इसका भी यूज़ करेंगे 4 और 5 का भी। ये देखिए इसका भी यूज़ किया जाएगा दोस्तों। अभी देखिए पार्ट्स वगैरह यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि यूज़ किया जा रहा है इसको बनाने में। फिलहाल इधर 2 और 3 पे हम आगे दिखाते हैं, जहाँ पे एक्सीलेटर वगैरह लगाने का जो है काम किया जा रहा है, वो चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अभी फ़िलहाल दिखेगा ये मशीनें वगैरह, ये लिफ्ट है जो कि मैंने दिखाया था, अभी ये बना हुआ नहीं है पूरा, बस जल्द से जल्द इसको भी बना देंगे, और कुछ इस तरीके से आपको अभी देखने को मिलेगा। चलिए आपको दिखाते हैं आगे जो वर्क चल रहे हैं वो चीज़ें। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे काम किया जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो एक्सीलेटर लगाया जाएगा ऊपर जाने के लिए, जैसे कि मैंने अभी दिखाया जहाँ से हम नीचे आए वैसे ही, तो यहाँ पर शायद लगाया जाए, वैसे ही काम किया जाए। मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इधर, तो ये देखिएगा यहाँ पे शायद एक्सेलेटर ही लगाया जाएगा ऊपर जाने के लिए, क्योंकि इतना स्पेस देखिए पूरा खाली किए हैं, यहाँ से देखिएगा इसको लगाए हैं, इतना स्पेस खाली है, तो शायद इसमें एक्सेलेटर ही लगाया जाए। बाकी देखिए जैसे भी लगाया जाएगा मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। इधर मैं दिखाऊं कि लिफ्ट का कैसे काम चल रहा है। अब जैसे ये देखिए प्लेटफॉर्म पूरा 2 और 3 पे यही काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ जो है गाड़ियाँ कम आ रही हैं। ये देखिए ट्रेन आई हुई है अभी इस टाइम की, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ इधर। अभी देखिएगा ये इधर किस तरीके से वर्क किए जा रहे हैं, ये देखिए, ये देखिएगा। और इस पॉइंट पे जो है वो लिफ्ट बनाई जा रही है इस पॉइंट पे, ये देखिए। अब देखिए इसको कब तक कंप्लीट करते हैं, अभी तो फिलहाल इतना बना हुआ है, और आगे भी जो है कुछ काम किए जा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे शायद नॉर्मल सी सीढ़ियाँ लगाई जाएँ, जैसे कि मैंने अभी दिखाया था आपको ब्रिज बना हुआ था, वैसे कुछ बनाया जाए ताकि नीचे आने के लिए, ये दिखेगा। और इधर का ये वाली लिफ्ट इधर बनाई जा रही है एक, ये देखिए।
इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर भी जो है कुछ काम किए जा रहे हैं, साइड पर भी काफ़ी लंबा खासा जो है ये प्लेटफॉर्म है, 2 और 3 और उधर 1 वाला भी काफ़ी बड़ा है, तो एक साथ में काफ़ी ज़्यादा यात्री जो है उतर जाते हैं यहाँ पे। अभी देखिए इधर भी कुछ काम चल रहा है, ये देखिए नीचे भी ढलैया वगैरह कर दिए हैं, ठीक है ये देखिए, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। बाकी चलिए आपको दिखाते हैं पुराना वाला रेलवे स्टेशन, उसका क्या अपडेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे रेलवे स्टेशन का जो पुराना वाला ब्रिज बनाया गया है उसके ऊपर, ये देखिएगा 4 और 5 के लिए इसको बनाया गया है जो कि यूज़ नहीं किया जाता है, 2 और 3 वाला वो है, उधर 1 वाला है, ये देखिएगा इधर वाला नया वाला स्टेशन, ये देखिएगा उधर जो है 3 सेट लगाए जा रहे हैं, ये देखिएगा ये वाला लग चुका है, इसके बाद वाला ये लगाया जा रहा है। दोनों अभी जो आपने अंदर मॉडल में देखा था रेलवे स्टेशन के अंदर में, वहाँ पे आपको 3 जो है इस तरीके से 3 सेट जो है राउंड शेप में देखने को मिल रहा होगा, जो कि यहाँ पे अभी 2 दिखाई दे रहा, तीसरा जो है इस साइड पे बढ़ाया जाएगा, अभी कुछ यहाँ तक इसको बनाया जाएगा। अभी जो है इधर आप घर वगैरह जो देख रहे हो ये कुछ जाएंगे रेलवे स्टेशन में ही इस साइड पे, ऐसा बोला जाता है कि नोटिस वगैरह दे दिया गया है, अब इस साइड पे इनको जो है हटा दिया जाएगा, इसको और बढ़ाया जाएगा इधर, तो प्लेटफॉर्म लगभग 7-8 के आसपास पूरा बनेंगे, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इधर जो है पुराना वाला स्टेशन था इस पॉइंट पे, अभी नीचे चल के आपको दिखाते हैं उसका क्या माहौल है। अभी आपको मैं थोड़ा सा इधर दिखाऊं, तो इधर जो है ये प्लेटफॉर्म फिलहाल तो यूज़ नहीं किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले बना था वैसे ही है। इधर जो है कुछ ज़मीनें, उधर जो आप बिल्डिंग देख रहे हो कुछ वहाँ तक जो है ज़मीनें लिया जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, बाकी आगे जैसे भी अपडेट रहेगा आपको बताएंगे। फिलहाल इधर से मैं आपको बताऊँ तो ये जो इधर आप मार्ग देख पाइएगा, ये वाला मार्ग जो है बंद कर दिया गया है, ये देखिए अभी यहाँ के लोकल के लिए था, इधर यहीं से गुजरता था ये बगल से, अब इसको यहाँ पे बंद कर दिया गया है क्योंकि काम चल रहा है रेलवे स्टेशन का ही। अब ये पुराना वाला ब्रिज जो कि अब इसका यूज़ बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि लोग स्टेशन के अंदर टिकट लेते हैं, वहाँ से होल्डिंग एरिया पर जाते हैं, अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं और ईजिली जो है अपने गाड़ियों को वहीं से पकड़ लेते हैं, तो इसका बहुत ही कम यूज़ किया जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको खुद ही देखने को मिल रहा होगा कोई भीड़ वगैरह नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में पहले तो इसका यूज़ बहुत ज़बरदस्त होता था लेकिन अब नहीं हो रहा है। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ से कुछ, अब यहाँ पर दिखेगा दोस्तों ये है स्टेशन, और स्टेशन के जस्ट पहले यहाँ पे था पुराना वाला रेलवे स्टेशन जो कि देखिए पूरा ज़मीनें जो है खाली हो चुकी हैं। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, और चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ ये स्टेशन जो टूटा है उसका अभी क्या व्यू है, इधर से आपको अच्छे से देखने को मिलेगा, ये देखिएगा ये है भाई पुराना वाला स्टेशन यही जगह पे था, अब जो कि बिल्कुल टूट गया है, और देखिए इस जगह पे क्या बनाते हैं क्योंकि लगभग व्यवस्था जो है इस स्टेशन में दिया गया है। अब देखिए मिट्टी वगैरह इस तरीके से गिरा रहे हैं, अभी मिट्टी इसको जमीन को पहले जो है बराबर करेंगे उस स्टेशन के, ये ऊंचाई पे है और ये नीचे था, इसको बराबर किया जाएगा, उसके बाद इसमें जो भी अपडेट होंगे वो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ तो ये आप जो एरिया देख रहे हो इतना बड़ा सा, ये पूरा होल्डिंग एरिया है जो कि भक्तों के रुकने के लिए जगह बनाई गई थी जब प्रभु श्री राम जी का प्राण प्रतिष्ठा था। अभी फिलहाल देखिए इसको बंद कर दिए हैं, 4-5 द्वार इसमें थे जो कि फिलहाल तो पूरा बंद है, अब इसका यूज़ नहीं किया जा रहा, लेकिन यूज़ करना चाहिए यार, इतना बड़ा इतना मतलब टाइम पैसे लगा के इसको बनाया गया था तो इसका गवर्नमेंट को ओपन करना चाहिए, लेकिन देखिए आगे के चल के क्या चीज़ें करते हैं इसके लिए। और बाकी इधर जो है प्लेटफॉर्म बनाए गए उनका यूज़ किया ही नहीं जाता। दोस्तों बस इस ब्लॉग में इतना ही, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बाकी मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।